जो पानी रुड़ता है ना इदा पानी इदा पानी जाता वा, जिस बंदे नूं नहीं भी तरना आता ना वह भी दो चार कर्मा हथ हथ मार के दो चार कर्मा चला जाता। जिन्हों तरना आता ना वो जिधरों पानी आता उधर नूं भी जा सकता। तुसीं वेख्या जिन्हों तरना आता हो पानी इधरों आ रहा उधर नूं भी कई बार दो चार कर्मा वो भावें एक कर्म घट ही तरे पर सबूत दिता कहदा भला कि मैं जिउंदा वा, वो इस गल का सबूत दिता मैं जिउंदा वा। अच्छा एक तो जिन्हों तरना नहीं आता वह रुड़ता जाता, दूजी लाश इदा लाश छोड़ दियो वो किधर नूं जांदी भला, उच्ची बोल के दस्सियो जिधर नूं पानी जाता। बस इदां जिहड़े वहन वहिंदे आ ना लाशां रुड़ियां जांदियां उधर नूं, समझ लए जे मैं की कहना चाहुंदा, रुड़दियां जांदियां नाल नाल उस वहन च, पर तां नूं कौन जाऊ जिहड़ा सबूत देऊ कि मैं अजे हुण फैसला आपे करना भी लाशां वांगू रुड़ना कि जां थोड़ा बहुत अपनी जमीर नूं जगा के यह सबूत देना कि मैं अजे जागदा हूँ। एक तो उधर नूं तर के उह ही जांदा, एक वो सबूत अपने आप दे दा दूरों देख पैंदा। अच्छा जे लाश रुड़ी जांदी वह भी दूरों हिसाब ला लैंदा भी ओ रुड़ी जा रही लाश है, जिहड़ा तां नूं जांदिया कदी किसी ने तां नूं जांदे नूं जदों पानी आ रहा उधर नूं कोई तरदे नूं किसी ने दूरों लाश कहा, बंदा बंदा जा रहा जी तरदा जा रहा। बस फर्क यह आ अपनी जमीर जगायो, अपनी सुरत जगायो, अपने ख्यालों नूं उच्चा करो। बड़ी वड्डी जंग है, पखंड एक बन्ने पखंडवाद है, एक बन्ने शब्द की विचार के सिधांत की गल है, एक बन्ने एक अकाल तख्त प्रवानित सिख रहत मर्यादा की गल है, तो दूजे बन्ने वख वख संप्रदावां ते डेरेदारां की तरह तरह की मर्यादा दी। अच्छा जेड़े कहते असी एका करना कट्ठे होना, कित्थे कट्ठे होना जी, कि कि मर्यादा के झंडे हेठ कट्ठे होना है, मेरा सवाल उन्हां नूं, मतलब जेड़े कहते कट्ठे होना। संप्रदावां दे बंदियां नूं पुछो कि तुसी टकसाल की मर्यादा के थले कट्ठे होना कि नानसर की मर्यादा के थले कट्ठे होना कि निहंग जथेबंदियां की मर्यादा थले कट्ठे होना, तुसी आप फैसला करो ना, तुसी इहनां कट्ठे होना है। तुहानू सारयां नूं पता भी तुहाडी एक दूजे नाल मर्यादा, तो फिर साडी सारयां दी एक मर्यादा कहड़ी सी भला, बोलो सारे जी गज के बोलो प्यारे हो, फिर इहो ही एक हल हैगा ना साडे को, एक अकाल तख्त की मर्यादा एक। हाँ उत्थे जाके जे साडे माड़े मोड़ को विचारां दे वखरेवे रह जाण असीं पासे बह के नबेड़ सकदे हां। मैं कहना इदां मीटिंग होवे कि आह मुद्दे अपने इदां दे आ जिन्हां ते अपने विचारधारक टकरा हैगे आ, आपां इन्ने साल लई आह विचारधारक मुद्दे नहीं छिड़ने, आपां को सांझी जंग लड़नी आ, चलो तुरो मैं तुरदा, जिन्ने महीने जिन्ने साल लगन मैं कोई पासे होर काम नहीं करांगा, पर एक तरीका एक अकाल तख्त की मर्यादा एक गुरु ग्रंथ का सिद्धांत लै आओ, आप रल के तुरदे हाँ, कुछ जड़े मुद्दे अपने आपस में बनती नहीं वो मुद्दे सैड पर कर दो भी इस मुद्दे पर ना तुहाडे वालों को बोले ना कोई साडे वालों बोले, पासे कर दो सांझा जिहड़ा मुद्दा उत्ते आपां कट्ठे होकर तुर पीए, जदों वह मसला हल हो जू इहते बह के फिर विचार कर लाँगे। पर तुहानूं पता कि तुसीं एक मर्यादा के झंडे हेठ कट्ठे आउण नूं तैयार, क्योंकि तुहानूं पता जे एक मर्यादा अकाल तख्त ही लागू होगी तो डेरियां दा अपने आप ही भोग पै जाना, जिहड़ा तुसीं भोग पाउण देना नहीं चाहुंदे, तुसीं नहीं चाहुंदे कि भोग पवे, तुहानूं पता है। तो जे असीं अज वाकिया ही उन्हां चमकौर साहब दे शहीदां दी याद नूं बैठे हाँ जिन्हां ने कुरबानी कीती, जिन्हां नूं गुरु साहिब ने माण सत्कार दिता, तो वह जिंदगी च अपने भी गुण लैके आने पैने भी वह किहड़ी कला सी जिहड़ा कारण वापरिया। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल तुरन वाले बाबा जीवन